हेलो गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात अरुण सिंह जी से हो रही है? जी मैम, आदेश करिए, बोलिए। सर, मैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से प्राची बात कर रही हूँ। ये कॉल आपको पेटीएम पोस्टपेड के बिल के रिगार्डिंग की गई है। आपका बिल पेंडिंग में चल रहा है सर, 7 जनवरी से 7,714 रुपये 65 पैसे। जानना चाहती हूँ सर, क्या इशू आ रहा है आपकी पेमेंट क्यों नहीं क्लियर हो पाई है? मैम मैं कर नहीं रहा, जानबूझ के। क्या सर, ऐसा क्या इशू आ रहा है आपको जो आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो? सर्विस यूज किया है तो पेमेंट भी तो आपको करनी पड़ेगी ना सर। तो मैडम जी, पेटीएम का है ये पैसा का आपका है? सर, पेटीएम पोस्टपेड का है ये, नहीं बताइए। तो पेटीएम कंपनी का है का आपका है, आदित्य बिरला वालों का है? सर, पेटीएम पोस्टपेड जो ये लिमिट आपको दी जाती है ना, प्रोवाइड की जाती है, वो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से ही दी जाती है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एंड पेटीएम पोस्टपेड का टाई अप होता है सर, ठीक है लेकिन पेटीएम वालों के पास पैसा नहीं है क्या? जी सर? पेटीएम वालों के पास नहीं है क्या पैसा? सर देखिए, ये पेटीएम पोस्टपेड का ही होता है, ठीक है, बट ये जो हमारे लेंडर होते हैं उनका नाम होता है, ठीक है सर, जो हमें पैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो लिमिट को एक्जेक्टली आप तक पहुंचाते आप हैं कहाँ से बोल वो रहे हो? आदित्य पेटीएम बिरला से पोस्ट। बोल रहे हो? पेटीएम से बोल रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो आपको दी। सर कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, बता तो दिया है आपको कि मैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से बात कर रही हूँ, पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग कॉल है। अभी समझ आ रहा है अच्छा, आपको? आ गया मैडम जी। क्या नाम आ बताया? गया आपको समझ? सर प्राची बात कर रही हूँ, बताइए क्या इशू आ रहा है, अभी जानना चाहती हूँ आपको मैडम पेमेंट ये कराने के। पेटीएम सर वाले चोर हैं, ये मेरा अकाउंट फ्रीज कर रखा है, अनफ्रीज नहीं कर रहे, अनब्लॉक नहीं कर रहे। फ्रीज कर रखा है अकाउंट आपका, तो सर देखिए अभी पेमेंट तो आपको करानी होगी, अभी पहले पेमेंट करवा दीजिए आप अपनी। और अकाउंट में जो मेरा 2 लाख रुपए पड़ा वो जाने दूं, उसको भूल जाऊं, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? सर तभी तो होगा जब आप अपनी पेमेंट कराओगे। कैसी बातें कर रहे हो मैम? फ्रीज हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने से पेमेंट कब से नहीं कराई आपने? मेरा पूरा पैसा उसी में है, आप तो ऐसे हवा में तीर मार रहे हो। 1 मिनट सर, अभी आप लाइन पर रहिए। लाइन पे हूँ। क्या हो गया, फोन काट रहे हो क्या? मैं सर सुन पा रही हूँ, बताइए अभी आप नहीं, आपने बोले लाइन पे रहो, आप बताओ। बताइए सर क्या ही। देखिए आपका जो अकाउंट फ्री हुआ है वो अनफ्रीज हो जाएगा सर, बट उसके लिए आपको पहले पेमेंट करानी होगी, ठीक ये तो है मैडम सर। झूठ देखिए बोल रहे हो आप। ये बताइए, पहले आप बोले हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, कब से फ्रीज हुआ है आपने? फिर लिमिट कैसे यूज कर लिए सर जनवरी में, दिसंबर के महीने में? आप बोले हो 2 मंथ से आपका फ्रीज हुआ है अकाउंट, फिर ये आपने अकाउंट दिसंबर नहीं के महीने फ्रीज में हुआ लिमिट मैम, कैसे? जो अकाउंट मेरा पैसा रखता हूँ वो अकाउंट फ्रीज हो गया। नंबर लिखो। पेटीएम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, पेमेंट बैंक का, जो बैंक अकाउंट है ना बिजनेस का वो। तो सर हम पेटीएम पोस्टपेड से बोल रहे हैं, पेटीएम ऐप से नहीं बोल रहे सर, पेटीएम तो मैम पोस्टपेड से अब ये बोल रहे तो हैं। गलत हो गया, अब आप कह रहे हो जी हम तो इंडिया से नहीं बोल रहे, भारत से बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है मैम। ये तो कस्टमर को सर गुमराह कर रहे हो। देखिए, पेटीएम ऐप अलग चीज है, पेटीएम पोस्टपेड एक अलग चीज होती है, ठीक है सर, दोनों में ये तो डिफरेंस मैडम होता जी है, आप ठीक है गुमराह सर। कर रहे हो कस्टमर को, बड़े बड़े भारतीयों को लूट रहे हो। हेलो हेलो जी सर सुन पा रही हूँ, बताइए सर। देखिए पेटीएम ऐप अलग होता है, पेटीएम पोस्टपेड अलग चीज होती है, ठीक है सर, समझ आ रहा है आपको? नहीं मैडम जी, हम आज ही पेटीएम पता चला, पोस्टपेड से बात कर रहे हैं, ये तो पेटीएम जी ऐप में आज ही जो पता चला, सर्विस हो। मैं तो शुरू वाले दिन से पेटीएम को यूज कर रहा हूँ विश्वास करके, आज ही पता चला जी पेटीएम अलग है, पेटीएम पोस्ट पेड अलग है, पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है। और अभी आदित्य तो बिरला समझ आई है फाइनेंस सर अलग है। जी। सर अभी आपको डिफरेंस समझ आ गया है ना? मैडम जी ये तो बहुत आपने अच्छी जानकारी दी, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ये आप कौन बोल रहे हो? हेलो, सर आदित्य बिरला फाइनेंस अरे लिमिटेड वो तो से एक ही ठीक है सवाल आप मैडम, बार आप बार कौन बोल पूछोगे रहे तो हो? मैं जगह नहीं चेंज कर दूंगी। आप मैं कौन प्राची बोल रहे बात कर हो? रही हूँ, प्राची आपका नाम? बात कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 बार प्राची, आपको बता चुका प्राची है। जी हाँ आपका जी एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है? मैं ताकि बताऊं कि पेटीएम अलग है, पेटीएम पोस्ट पेड अलग है। जी सर, आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी?
सॉरी सर, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर सकते नहीं हैं। तो जब मैं उनसे पूछूंगा, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं, उनको कहूंगा कि आप गुमराह कर रहे हो, प्राची मैडम ने तो आज हमें न्यारी जानकारी दी है, पेटीएम अलग है और पेटीएम पोस्टपेड अलग है। तो उनसे पूछूंगा तो आपका कुछ इसमें एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या लिखूं कि मुझे ये जानकारी किसने दी है, वो प्राची के नाम से थोड़ी जानेंगे। हेलो, हेलो, सॉरी सर, माफी चाहूंगी। ठीक है, मैं अभी आपको कॉल बैक करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। माफी चाहूंगी अगर आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कॉल बैक करती हूँ। ओके सर, माफी चाहती हूँ, आपको नहीं मैडम, कॉल ये बैक तो देखो करती हूँ आप सर एक गुमराह घंटे कर रहे बाद। हो। चलो जी, कभी कर लेना, दाऊ आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लो, मैं तैयार हूँ। ठीक है जी, ओके सर, हाँ मैं माफी अभी अभी चाहती ट्वीट हूँ। नहीं कर रहा, अभी जैसे